नमस्कार दोस्तों, सीएससी नॉलेज के इस वीडियो में मैं आपको सीएससी लाइव ओएमटी टूल इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीएससी लाइव ओएमटी टूल जो एक वेब बेस्ड टूल है जिसको लाइव मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसे इंस्टॉल करना ज़रूरी है क्योंकि इसके इंस्टॉल ना होने पर आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो सबसे पहले आप csclive.in पर लॉगिन करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड देकर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूज़र नेम के फर्स्ट जो लेटर्स हैं उसको कैपिटल्स में रखना है, जैसे हरियाणा के लिए HR, इसको कैपिटल्स में रखिए और तभी ये आपका लॉगिन हो पाएगा। अगर ये स्मॉल में रखोगे तो ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम इसे कैपिटल में करते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा सीएससी पोर्टल खुल गया और इस सीएससी लाइव पर हमें टूल मिलेगा एक डाउनलोड करने के लिए। अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप होम बटन पर क्लिक करिए और विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, जो .exe फाइल होगी उसको आपने डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो रही है और इसके डाउनलोड होने से पहले आपको एक जो बात ध्यान में रखनी है वो है ये है कि आपको सभी टाइप से एंटीवायरस या फिर आपके कोई भी मॉलवेयर सिक्योरिटी जो रनिंग है आपके कंप्यूटर पर उसको आप क्लोज कर दीजिए। अगर आप इसे क्लोज नहीं करेंगे तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन टूल है ये रन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि डाउनलोडिंग हो रहा है, लेकिन इंटरनेट की जो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी है वो इसे अभी तक ब्लॉक्ड दिखा रही है और हम इसे राइट क्लिक करके अनब्लॉक करेंगे। यहाँ से हमने टूल को ऑफ भी कर रखा है, नोरटोन जो एंटीवायरस है उसको ऑफ कर रखा है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है उसके सिक्योरिटी उसने इसे ब्लॉक कर रखा है। हम इसे अनब्लॉक करेंगे। अनब्लॉक करने के बाद हम इसे प्रोसेसिंग करेंगे, रन पर क्लिक करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आप इसे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करिए। रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपने इसे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट 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 करके जो प्रोसेस में आपको आगे बता रहा हूँ। अब आप देखिए कि इसमें अगर आप अनेबल कर देते हैं सिक्योरिटी को तो आपके पास क्या एरर आ रही है, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ देखिए ये फाइल जो प्रोसेसिंग में है इसका पाथ वो ढूंढ नहीं पा रही है क्योंकि ये ऑटो ब्लॉक्ड हो चुका है। तो अब फिलहाल हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे कंप्यूटर को। ये आपने लॉगिन यूज़र आईडी दिया सीएससी लाइव पर और ये पासवर्ड दिया और लॉगिन किया। ये मैं किसी अनदर मशीन्स पर लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है ये रजिस्टर्ड पार्ट और यहाँ पे सीएससी आपके आईडी दिखाएगा और इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा विंडो और लिनक्स के लिए। तो ऑलरेडी मैं विंडो के लिए डाउनलोड कर चुका हूँ। क्लिक करिए और रन करिए, यस करिए। ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ये रीइंस्टॉल के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है और इसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इसके बाद आप इसको लॉन्च करिए। लॉन्च करने के बाद आपको सीएससी आईडी, आपकी जो भी आईडी है जो आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं कंप्यूटर पर, ये आपका ऊपर जो कॉर्नर में सीएससी क्लाइंट रजिस्ट्रेशन के नीचे मैक एड्रेस जो आपके कंप्यूटर का एक परमानेंट एड्रेस है यही दिखा रहा है जो आपके सीएससी आईडी के साथ बाउंड होगा। ये इंफॉर्मेशन आपको
एंटर करने के बाद सीएससी आईडी और पासवर्ड, ये आपका कंप्यूटर है सीएससी एजेंट बन जाएगा क्लाइंट, और ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो आपके कंप्यूटर सी ड्राइव में डाउनलोड हो पा रही हैं, और कुछ एक लॉग्स डाउनलोड होने के बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। इस टाइप से आप सक्सेसफुली सीएससी लाइव ओएमटी टूल रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी समस्या हो आपको किसी भी वीडियोस के बारे में, तो आप मेरे को मेरे मेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उसके एक वीडियोस तैयार करें और सभी लोगों को उस परेशानी से जो सामना कर रहे हैं उनकी परेशानी दूर हो। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक सोशल एक्टिविटीज़, एक एनजीओ के टाइप से हम काम करना चाहते हैं जो सभी सीएससी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग उस एनजीओ और सोसाइटी जो हमारी सीएससी की कम्युनिटी होगी और उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। कोई भी मैं आपका जो मैसेज होगा जो आपने NUY टाइप करके आप मुझे मेल आईडी पर सेंड कर देंगे, और आपका फ़ोन नंबर उसमें मेंशन करिए, उसको हम अपने जो ग्रुप में आपको कॉल करके आप अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे।